अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर मूवी देखकर बोर हो गए हो, थक गए हो, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक कॉमेडी मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर आउट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ फुकरे 3 की। इसके कुछ दिन पहले पोस्टर जारी किए गए थे और फाइनली फुकरे 3 का ट्रेलर भी आउट हो चुका है। 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर है, आपको फुल्ली इंटरटेनमेंट जरूर करेगा, आपको गुदगुदाएगा जरूर। कमाल का ट्रेलर है दोस्तों, कुछ ही घंटों में इसके मिलियंस में व्यू आ चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि दोस्तों की ट्रेलर सभी लोगों को पसंद आ रहा है। खासकर ट्रेलर की शुरुआत होती है 2013 के उसी स्कूल से जहां वरुण और पुलकित ने हैट्रिक मारी थी फेल होने में, एंड अगेन 2023 में उन दोनों को फिर से उसी स्कूल में बुलाया जाता है स्पीच के लिए। उसके बाद एंट्री होती है भोली पंजावन की, मतलब ऋचा चड्ढा की। वो इस बार इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और पता नहीं दिल्ली का क्या हाल होने वाला है, एंड उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पुलकित एंड पंडित जी। पंडित जी मतलब पंकज त्रिपाठी। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से करने वाले हैं, या तो मूवी में देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि फिर से ये लोग ऋचा चड्ढा के जाल में फंसने वाले हैं, और कैसे निकलेंगे या देखना पड़ेगा मूवी में हम लोगों को। और कितना मजा आने वाला है दोस्तों, ये तो ट्रेलर में देखकर ही पता चल चुका है कि भाई फुल्ली इंटरटेनमेंट ट्रेलर है। मजा आ गया है ट्रेलर देखकर, सबकी कॉमेडी एकदम एक नंबर है दोस्तों। आपको ट्रेलर देखकर मजा तो जरूर आएगा, आपको गुदगुदाएगा जरूर। साल 2023 की सबसे बेस्ट कॉमेडी मूवी होने वाली है शायद। वैसे यह मूवी 7 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 7 सितंबर को आ रहे हैं शाहरुख खान जवान लेकर, तो भाई उनके सामने भिड़ना किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए इन्होंने डेट पोस्टपोन कर दी। फिर रखी थी 1 दिसंबर, उसके बाद फाइनली डेट डिसाइड कर दी है 28 सितंबर को। तो फाइनली यह मूवी 28 सितंबर को सिनेमाघरों में कॉमेडी मचाने आ रही है। इसमें एक हीरो जो लास्ट 2 सीरीज में थे, इस बार देखने को नहीं मिलेंगे, अली फजल दोस्तों। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर हैं मृगदीप सिंह लामा दोस्तों, जिनसे काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं कि यह मूवी कॉमेडी से भरी हुई होगी। ट्रेलर देखकर तो मज़ा आ गया है, फिलहाल मूवी भी इंटरटेन होनी चाहिए है दोस्तों। और मूवी में फिर से आपको दिल्ली की गलियां और लोकेशन और दिल्ली के लौंडे दिखने वाले हैं, और पूरा इंटरटेनमेंट होने वाला है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं डायरेक्टर साहब से। फिलहाल आप लोग ही क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता ही है। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट एंड टेक केयर।